दोस्तों, जो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज है वो इस समय काफ़ी खतरे में है, और इसके साथ साथ ही हमारे जो उपभोक्ता हैं यानी कि जो हमारे कस्टमर हैं प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये जो हम अभी तक सस्ते जो कॉल रेट और सस्ते डाटा का लाभ ले पा रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में ये पहले से भी ज़्यादा महंगा हो जाए। इसका रीज़न क्या है, पूरी वीडियो जब आप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि अभी क्या समस्या खड़ी हुई है और आगे भविष्य में क्या हो सकता है टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं बात को ज़्यादा घुमा फिरा के कहने के बजाय मैं सीधे सीधे मुद्दे पे आता हूं। यहां पे जैसा कि आपने अगर न्यूज़ पढ़ते होंगे तो सुना होगा, इन टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर जो कि मुख्य रूप से चार हैं, बाकी तो वैसे BSNL है, MTNL है और भी कंपनियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो चार कंपनियां हैं, जियो है, एयरटेल है, आइडिया है और वोडाफोन है। तो यहाँ पे आइडिया वोडाफोन तो एक में मिल चुकी है, ये दोनों कंपनी मिला के अब एक कंपनी बन चुकी है। तीन ही कंपनियाँ अभी बची है मुख्य रूप से, आइडिया वोडाफोन, एयरटेल है और जियो है। तो इन सभी कंपनियों के ऊपर इंडियन गवर्नमेंट का पैसा बाकी है और वो पैसा इन कंपनियों को चुकाना है, तभी जाके ये आगे अपनी सेवाएं दे पाएंगे लोगों को। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे जो बकाया राशि है वो काफ़ी बड़ी है और कंपनियों के पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं देने के लिए। जैसा कि वोडाफोन आइडिया का स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि अगर सरकार की तरफ से इस मामले में कोई रियायत नहीं बरती गई तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। वोडाफोन आइडिया के ऊपर 53,000 करोड़ लगभग बकाया है, जिसमें से 14 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से पैसे जमा कराने के लिए बोला तो उन्होंने सिर्फ उसमें से 53,000 करोड़ में से 2500 करोड़ रुपए ही जमा करवाया। दोनों की अपेक्षा एयरटेल पे कम बकाया था, 35,000 करोड़ रुपए। 35,000 करोड़ में से एयरटेल ने 10,000 करोड़ रुपये जमा करवा दिए हैं और बाकी के भी पैसे उसने जल्दी ही जमा करवाने को कहा है, लेकिन यहाँ आइडिया वोडाफोन ने 2500 करोड़ रुपए ही सिर्फ जमा करवाए हैं और 1,000 करोड़ रुपए और जल्दी ही जमा करने की बात उन्होंने कही है। लेकिन कहाँ 53,000 करोड़ और कहाँ पे, मान लीजिए इसने 2500 करोड़ भी जमा करवाए और 1,000 करोड़ और दे देते हैं तो भी सिर्फ 3500 करोड़ रुपए ही होते हैं, जो कि बकाया राशि का 10% भी नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 17 मार्च 2020 तक अगर ये रकम टेलीकॉम कंपनियों द्वारा जमा नहीं करवाई गई तो उन पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी, भुगतान नहीं करने पर उनकी बैंक गारंटी भी जब्त की जा सकती है। अब यहाँ पे कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आने वाली है, कस्टमर को ये प्रॉब्लम आने वाली है, हम और आप जैसे जो उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, उनको ये प्रॉब्लम आने वाली है कि यहाँ अगर वोडाफोन आइडिया अगर बंद हो गई तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ दो ही बड़े ऑपरेटर रह जाएंगे, पहला है जियो और दूसरा है एयरटेल। जियो के ऊपर काफ़ी कम बकाया था क्योंकि जियो ज़्यादा दिन मार्केट में आए हुए नहीं हुआ, जियो को लगभग ये 2016 में जियो शुरू हुई और इसके ऊपर काफ़ी कम बकाया था जो जियो ने शायद चुका दिया। जियो आगे भी अपना काम करती रहेगी तो यहाँ पे मार्केट में सिर्फ दो ही लोग बच जाते हैं, पहला जियो और दूसरा एयरटेल। तो यहाँ पे देखा जाए तो जियो ही लीजेंड कंपनी आगे चल के बनने वाली है और यहाँ पे जो वो डिसीजन लेगी वही सबको मानना पड़ेगा। जियो जैसा अपना कॉल चार्जेस रखेगी, जैसा अपना डेटा चार्जेस रखेगी, उसी के हिसाब से मजबूरी में सबको पैसे आपको पे करने होंगे, क्योंकि अभी तक 3-4 कंपनियां थी और सब में प्राइज वार चल रहा था। तो यहाँ पे जो कस्टमर थे वो काफ़ी उसका फ़ायदा ले रहे थे क्योंकि प्राइज वार में हमेशा कस्टमर को ही फ़ायदा होता है। जब कंपनियां आपस में एक दूसरे को लेके प्राइस कम करने के चक्कर में पड़ी रहती है कि मैं सबसे सस्ता दे रहा हूँ, तो मैं सबसे सस्ता दे रहा हूँ, ऐसे में कस्टमर को ही फ़ायदा होता है। लेकिन यहाँ पे जब सिर्फ और सिर्फ जियो बच जाएगा तो यहाँ पे वो अपने हिसाब से उसको जो ठीक लगेगा वही कॉल रेट वो कस्टमर के सामने पेश करेगा और मजबूरी में हमें अगर अपना फ़ोन चालू रखना है तो वही चार्ज देना पड़ेगा जो जियो डिसाइड करेगा। तो यही प्रॉब्लम मुझे अभी टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर दिखाई दे रहा है जो कि आम उपभोक्ता को प्रभावित कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आगे भी ताज़ा अपडेट्स लेके आते रहेंगे और टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।